अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो कुवैत से दोस्तों सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों और काफ़ी अच्छी खबर है। दोस्तों आपको बता दूं, जितनी भी दुनिया में गल्फ कंट्री है, टोटल 7 गल्फ कंट्री हैं, जैसे कि दोस्तों सऊदी अरेबिया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान, दुबई और जैसे कि दोस्तों कुवैत, दोस्तों सभी कंट्री मिल के दोस्तों वहाँ पे सभी कंट्री मिल के दोस्तों एक दूसरे से ट्रेन के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है जिनमें से दोस्तों सभी गल्फ कंट्री होते हुए एक ट्रेन पास होगी। दोस्तों आपको वो मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इराक से शुरू होगा, कुवैत, कुवैत सिटी, कतर, बहरीन, ओमान, दुबई, सारा कुछ दोस्तों सारा शहर वो होते हुए जाएगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, इम्प्लॉय राइट वर्कर कॉम्पनसेशन विल नॉट बी हार्म। दोस्तों आपको बता दूं, आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर, यदि कुवैत में आप वर्कर हैं, यदि आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पे किसी भी तरह का पैसा आपका काटा नहीं जाएगा। जो भी कॉम्पनसेशन आपका होगा वो दोस्तों सारा का सारा आपको दिया जाएगा। यदि दोस्तों कोई भी इम्प्लॉय से, यदि कोई भी वर्कर से, यदि कोई भी आपको यदि आपका पैसा काटता है तो दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है बराक सीतान ने यह कहा है कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगली खबर साथियों दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फेल। दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि अभी पूरी दुनिया में हर जगह लॉकडाउन लगा था, तो दोस्तों हर जगह पढ़ाने का जो काम था बच्चों का वो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था। दोस्तों कुवैत गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ शुरुआत की थी, पर दोस्तों ये ऑनलाइन जो एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म था ये बिल्कुल का बिल्कुल फेल हो गया। मतलब दोस्तों नहीं चल पाया, ना दोस्तों ना टीचर इसे अच्छे से चला पाए, ना स्टूडेंट इस पर कोई ध्यान दिया। तो दोस्तों उस पर फिर से निर्णय लिया जा रहा है कि इस बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। अगली खबर साथियों जो आ रही कुवैत से, कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपका दोस्तों कुवैत में यदि कोई भी आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो दोस्तों कुवैत के बैंक ने ये कहा है कि कोई भी ईमेल या फिर कोई भी एसएमएस या फिर कोई भी फ़ोन कॉल आता है मोबाइल बैंकिंग के रिलेटेड, तो दोस्तों उस पर आप उसके बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फर्जी होता है। यदि कोई भी आपके पास मैसेज आता है तो उस पर लिंक जो दिया होता है, लिंक पर गलती से भी ना क्लिक करें। यदि कोई आपसे नंबर मांगता है या फिर कोई अकाउंट नंबर, कुछ भी डिटेल मांगता है, तो गलती से भी नंबर ना दें, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा वो निकाल लिया जाएगा, वो फ्रॉड का कॉल होता है। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों, वहाँ पे एक फिलिपिनो डेथ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों वहाँ पे एक फिलीपींस का रहने वाला एक नागरिक था जिसको दोस्तों वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों डेथ का पता नहीं चल पाया, दोस्तों वो क्लिनिक पे वो दवाई लेने गया था, दोस्तों वहीं पे दवाई लेने के दरमियान ही दोस्तों वहीं पे उसकी मौत हो गई है। अब उसकी मौत के कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों उसको बॉडी को उठाकर ले जाया गया और ले जाने के बाद दोस्तों उसकी बॉडी को कोरोना का जाँच हो रहा है। यदि दोस्तों ऐसा कोई भी रिपोर्ट निकल कर आता है तो मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। अभी तक उसकी डेथ की अभी जो मेन रीज़न था वो मालूम नहीं चल पाया है। अगली खबर साथियों आ रही है, फेक कॉप रॉब्स इंडियन अटैक गन पॉइंट। दोस्तों ये हमेशा आपको सुनने को मिलता है कि गन पॉइंट दिखा के कोई भी पुलिस बनकर लोगों से वहाँ लूटमार करता है। दोस्तों कुछ दिन पहले भी हुआ था और दोस्तों कल ये फिर एक दुर्घटना घटी जिनमें एक फेक पुलिस वाला बन के गन दिखा के एक इंडियन के से सारा कुछ लूटमार किया, जो भी उसके पास था सारा कुछ लूट लिया गया। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो दोस्तों एक बार जानकारी करने की कोशिश करें कि वो पुलिस कहीं नकली है या असली है। दोस्तों वो अभी फिलहाल कंप्लेन कर चुका है तो उसकी तलाश की जा रही है, वो कौन था जो ने उसके साथ लूटमार किया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी जो जो कुवैत से आ रही थी तो मैंने अब तक शेयर किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। तो मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो।